अर्तुरुल गाजी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीम शान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खानाबदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सके। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीज़ो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सलजूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दाग बेल डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आजमों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाकयात से माखूज़ है। आए किसकी वजह से हुआ ये सब? मेरी ऐसी हालत होने के बावजूद उसने मुझ पे हमला किया, जिसकी वजह से मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और मैं बेहोश हो गई। वही कातिल है मेरे बच्चे की। इस बार तो इसने तमाम हदें पार कर दी हैं। बहुत जल्द इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी इसे। ये सिर्फ मेरा और तुम्हारा मसला नहीं है सुलेमान, कबीले की बका दांव पर लगी है, हजारों कीमती जानों का मामला है, तो इन मसाइल के हल के लिए मशवरा जरूरी है सबसे। फिर हम इस होने वाली जंग में फतह याब हो गए तो कोक्षे से निकाह कर लेना अर्तुरुल। गुंडोग्दू बहुत माकूल उम्मीदवार है सरदारी के लिए। और तुम गुर्दो क्या समझते हो कि अबू हश्याम जैसे काफिर के साथ गठजोड़ करके सरदारी के मनसब पर फायज हो जाओगे? तुम जैसा मुनाफिक काफिरों के साथ मिलकर हमारे खिलाफ जो साजिशें करता रहा है वो मुझसे पोशीदा नहीं है। हलब के सफर से मौजूदा वक्त तक हर साजिश का इल्म है मुझे, लेकिन खुशकिस्मती तुम्हारी के सबूत नहीं है। सबूत तलाश कर लो तो मैं तुम्हारा गुलाम बन जाऊंगा अर्तुरुल, और अगर ना ढूंढ सके तो एक एक इल्जाम का हिसाब लूंगा तुमसे। बहतान और इल्जाम तराश के अलावा तुम कर भी क्या सकते हो? जी चाहता तुम्हारी अकल ठिकाने लगा दूं। तुम क्या समझते हो कि मैं तुम्हारे इल्जाम से डर जाऊंगा? मैं जब चाहूं तुम्हें सबक सिखा सकता हूं। बस गुर्दोगलो, बस अब देखना तुम, तुम्हारा वक्त बहुत जल्द पूरा होने वाला है। हर जुल्म का बदला लूंगा मैं। बेटा, भाई अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहा है और मेरा साथी के साल में नहीं जानता। बड़ा भाई औलाद खो देने के गम में निडाल है, मैं क्या करूं आखिर? मुसीबतों ने तो जैसे हमारे घर का रास्ता देख लिया। वालिदा मेरी हिम्मत जवाब दे रही है। हौसला नहीं हारना है, जरा सी तकलीफ आ जाए परेशान हो जाते हैं, यही कमजोरी है हमारी और यही इंसान की फितरत है। सरदारी आसान मनसब नहीं होता,
अपना सब कुछ कुर्बान करना पड़ता है। यही नसीब है और नसीब किसी भी इंसान के बस में नहीं होता। क्या है मेरा नसीब? एक जानिब वो मोहब्बत है जिसने मेरी खातिर दुश्मन का तीर खाया और अब दूर है मुझसे, कैसे भूल जाऊं उसे। और दूसरी जानिब बाबा की, आपकी और कबीले की मुंतखब की हुई मासूम लड़की है। मेरे दिल का हाल तो बस मैं और मेरा खुदा ही जानता है वालिदा। सरदार के अल्फाज और बाप के हुक्म की पैरवी बेहतर है और यही हम सब के हक में बेहतर होगा। वक्त आने पर जब तुम सरदार बनोगे, अपने दिल को सरदार के खेमे से ज्यादा कुशादा करना होगा। तुम्हें अपने दिल और दिमाग दोनों की सुननी है। जब दिल की चाहत भी ठीक लगे और दिमाग का फैसला भी। तो दोनों ही इशारे तुम्हारे लिए साजगार हैं, यानी तुम्हें अपने सरदार का फैसला भी मानना है और अपने दिल का भी। हलीम और गोगचे दोनों ही तुम्हारी जिंदगी में आ सकती हैं। ये आप क्या कह रही हैं वालिदा? किस तरह एक ऐसी लड़की से शादी कर सकता हूं मैं जिस लड़की को कभी इस नजर से देखा ही नहीं मैंने? अपनी इस जिंदगी का आगाज एक झूठ से करूं? हम सफर एक ही होता है इंसान की जिंदगी का, यह आप ही ने सिखाया। अर्तुरुल भाई, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? इलियास से पढ़वा लिया इसे। क्या लिखा है? अल अजीज, शिकारगा रवाना हुआ है शहजादी हलीमा के साथ, लेकिन निकाह नहीं हुआ है उनका। वो जबरदस्ती लेकर जा रहा है। भाई, क्या हुआ दुआन? सब खैरियत है? हाय मखानम, अर्तुरुल भाई चले गए। कहां चला गया? शहजादी हलीमा को बचाने। हम भी आपके साथ चले। भाई, इसकी मरम्मत पूरी नहीं हुई, अभी काम बाकी है। मैं कर लूंगा बंसी।
अकेले ही जाऊंगा मैं। तबले जंग बच चुका है, तुम्हारा यहां होना जरूरी है। भाई पहले नहीं कर सकते थे तुम ये? हम क्या करेंगे बंसी? सरदार, आपको किसी चीज की जरूरत तो नहीं? कुछ नहीं चाहिए बेटा। आराम से जाके सो जाओ तुम। मैं आपको शब्बा खैर कहने आई थी हाइमा खानम। शब्बा खैर मेरी बच्ची। अर्तुरुल का पूछना आई थी ना बेटा? आओ यहां मेरे पास बैठो। अर्तुरुल हलीमा को बचाने गया है। मैं जा रहा हूं दुआन भाई। कहां जा रहे हो बंसी तुम? तुमने सुना नहीं था भाई ने क्या कहा था? यहां हमारी ज्यादा जरूरत है। मैं नहीं बैठ सकता। भाई की परेशानी यहां बैठे बैठे मेरी जान ले लेगी। उन्होंने गुस्सा किया था तुम जिम्मेदार होके। जिम्मेदारी ली है तुमने कभी? अब यहां खड़े रहकर ज्यादा बातें मत करो मोटी अकल वाले। जल्दी चलो यहां से। हट जाओ हमारे रास्ते से। हमारे अपनी भाभी शहजादी हलीमा को लेने। बहुत पसंद करती हो तुम उसे? जी है मखानम, वो बचपन से ही अच्छे लगते हैं मुझे। ये सबसे पहले सलजान ने मुझे बताया था, फिर मैंने सुलेमान शाह से जिक्र किया। जानती हूं मैं। और अगर मुझे ये बात सुलझान ना बताती? किसी को भी मालूम नहीं हो पाता और मैं इस मोहब्बत को दिल में बसाए जीती रहती। मेरा निकाह किसी और शख्स के साथ हो जाता, समझौता करना पड़ता मुझे। कैसा समझौता? किसी और से मोहब्बत का मैं सोच भी नहीं सकती। अगर तुम सच्चे दिल से चाहती हो उसे, तो उसकी खातिर कुछ भी कर सकती हो तुम। कुछ भी कर सकती हूं मैं। तो
तो फिर उसका ख्याल अपने दिल से निकालना होगा तुम्हें। मारियो, क्या बात करनी थी तुम्हें मुझसे, बताओ मारियो। मुझे माफ कर दो मेरी बेटी, मैंने बहुत बुरा किया तुम्हारे साथ, मैं बहुत शर्मिंदा हूं तुमसे। खुल के बताओ क्या कहना है। बाबा जिंदा है तुम्हारे, ये उस वक्त की बात है जब उन्हें इब्नुल अरबी ने दीन इस्लाम की दावत दी और वो ईसाइयत छोड़कर मुसलमान हो गए। जनाब बराए करम मुझे बताइए कि इस खून खराबे के बाद क्या यसू मुझे अपनी पनाह में कबूल फरमा लेंगे? मुझे डर लगता है कहीं मैं उनके रहम और करम से महरूम ना रह जाऊं, और क्या वो अपने चाहने वालों में मुझे शुमार करेंगे? ये बहता खून आबेतर है जन्नत के फूलों के लिए क्लॉडियस, ये खून खुदा की सल्तनत को जन्नत बख्शता है और नाम मुरादों को दोजख। मैंने जिन बेगुनाहों को मारा उनकी आहें और चीखें मुझे चैन नहीं लेने देती, मैं रातों को सो नहीं पाता, कुछ देर आंख बंद कर लूं तो चीखों से कान फटने लगते हैं, डरावने ख्वाब आते हैं, मेरा जमीर मुझे मलामत करता है। मेरी बस आपसे यही इल्तिजा है कि मेरी जान बख्श दे, बाकी की जिंदगी किसी कलीसा में राहिब बनकर गुजारना चाहता हूं। ठीक है, तुमसे वादा किया था मैंने तुम्हें आजाद कर दूंगा, लेकिन एक काम करना होगा उससे पहले तुम्हें। जो काम भी कहेंगे करने के लिए तैयार हूं मैं। इब्नुल अरबी का पता लगा लिया है मैंने, तुम उसे खत्म करके नवादरात से भरा संदूक मेरे पास ले आओ, मगर याद रखना उस्ताद आजम और कमांडर टाइटस मुखालिफत में है इस काम के, मोहतात रहना, इस काम का सिर्फ तुम्हें और मुझे मालूम होना चाहिए, किसी को भिनक भी ना पड़े। जैसा आपका हुक्म मोहतरम कार्डिनल।
खुदा माफ करे तुम्हारे गुनाहों को। वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? खुदा ने कहा, अल्लाह ने सख्त सजा दे, यकीन ही नहीं आ रहा। अल्लाह काफिरों को खरीद कर अल्लाह मदद करने वाला है और वही दुआओं को कबूल करने वाला है। या अल्लाह पाक हमारी मदद फरमा मेरे मालिक। आला हजरत, नासिर ने दरवेशों को बड़ी बेदर्दी से मारा है। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान पर जुल्म कैसे कर सकता है? हम उसे बद्दुआ देने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। अल्लाह ऐसे इस्लाम के दुश्मनों को नीस्तो नाबूद कर दे। मुसलमान मुसलमान पर जुल्म नहीं करता, ना किसी की जान नहीं ले सकता कभी। हमें जुल्म के अंधेरों को दिल में कभी भी जगह नहीं देनी चाहिए। हमें अपने आप को जालिम बनने से बचाना है। एक मर्तबा एक कबीले ने दरख्वास्त की कि हमारी तबलीग फरमाइए, तो हजरत पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी मोहब्बत से उनके पास 70 नौजवान आलिमों को भिजवाया। उनके जाने के बाद अहले मदीना खुशखबरी के इंतजार में थे, मगर उन्हें एक अफसोसनाक खबर मिली। हर घर में सफ़े मातम बिछ गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी ने खबर दी कि वीर मुआवना के मकाम पर उन उलमा को शहीद कर दिया गया है। हजरत पैगंबर को यह वाकया सुनकर बहुत दुख पहुंचा। अनस बिन मालिक फरमाते हैं कि हुजूर को इससे पहले हमने कभी इतना गमजदा नहीं देखा। कई दिन तक नमाज फज्र में हुजूर अकरम उन जालिमों के लिए बद्दुआ करते रहे। फिर क्या हुआ आला हजरत? उसके बाद उन पर कुरान की आयत नाजिल हुई, ऐ पैगंबर, हमने तुम्हें रहमत बनाया तमाम जहानों के लिए। उसके बाद हुजूर पाक ने किसी के लिए बद्दुआ नहीं फरमाई, हत्ता के मुशरिकों और काफिरों के लिए भी नहीं। हमें भी चाहिए कि मुसलमान को बद्दुआ न दें, चाहे वो कितना ही जालिम क्यों ना हो। हमारे भाई शहीद हो गए, हमें अपने दिलों को नफरत से पाक रखना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि जितना बस में हो जुल्म को फैलने से रोकें और जालिम के नक्श कदम पर चलने से गुरेज करें। शैतान को किसी भी सूरत अपने दिल में जगह न दें। पीर साहब, आपने फरमाया कि हर मुश्किल में भलाई छुपी है। इस वाकये में कैसी भलाई है? किसी मासूम का शहीद हो जाना कैसे सूदमंद साबित हो सकता है? फर्जंद, बेशक हर मुश्किल में भलाई है। किसी बेगुनाह इंसान की शहादत इस बात की दलील है कि उसकी आखिरी सांस कलमाए हक पर निकली। मोमिन के लिए शिकस्त कोई मायूब बात नहीं। दो चीजें दुनिया और आखिरत में रुसवा करती हैं, जुल्म और ज्यादती। हमारे भाइयों को शहादत की मौत नसीब हुई, हम परवरदिगार का शुक्र अदा करते हैं। शुक्र।
नुमान जब तक जिंदा है उस वक्त तक सलजूक की बका को खतरा है। अब क्या करना चाहिए हमें? नुमान और यिगित की जान लेने का अच्छा मौका था, लेकिन तुमसे ना हो सका। सुनो अफसिन, शहजादों के बारे में तुम्हारे एहसासात का इल्म है मुझे, मगर इसके अलावा चारा नहीं कोई। अगर है तो बताओ मुझे। इक्तदार की चाहत बहुत अज़ियतनाक हो सकती है, और इस अज़ियत को खत्म करने का वाहिद हल उन दोनों का खात्मा है, इसके सिवा कुछ नहीं। अल्लाह हमारी खताओं को माफ फरमाए। इतने बरसों से हम दर बदर भटक रहे हैं, आखिर किस लिए? ताकि हमारी औलाद का मुस्तकबिल खुशहाल हो सके। मगर आप ही बताएं कि बदले में हमें क्या मिला? अमन और सलामती की जगह इस फानी दुनिया में मुश्किलात ने हमें घेरा हुआ है, और इस हालत का कौन है जिम्मेदार? जिम्मेदार तो सामने बैठे यही सरदार जादे कबीले पे आने वाली हर किस्म की बलाओं और मुसीबतों के जिम्मेदार हैं। कारा तो इगर से जान बचाकर हम हलब की तरफ हिजरत करके आ गए, मगर यहां आकर दुश्मन ने चारों तरफ से घेर लिया, और हम बजाय जिम्मेदारों को सबक सिखाने के मुसीबत को सर पर बिठा लिया। सुलेमान शाह, कबीले के मौजूद साहिबान, मुझे अंदाजा है कि नकल मकानी और रोज के फितनों से थक चुके हैं आप, और आप दुश्मन के खौफ से परेशान भी हैं, मगर हमें अपना मुआहिदा नहीं भूलना चाहिए। याद होगा हमने कसम खाई थी कि किसी भी हाल में दुश्मन से नहीं डरेंगे हम, बेशक वो हम पर आसमानों से ही हमलावर क्यों ना हो जाए। हमने कसम खाई थी कि हम हर मुश्किल वक्त में साबित कदम रहेंगे, कसम खाई थी ना। लेकिन अफसोस है कि आपने अपने वादे का पास ना रखा। और अपने दुश्मन से खौफ ज्यादा हो गए। क्या आप सबको ये जेब देता है? कैसे आपको जंग पे भेज दिया जाए? कैसे एतमाद करूं तुम पर? ये हमारे बुजुर्गों की तलवार है, इसे कैसे आपके हवाले कर दूं मैं? अपने दुश्मन से तुम कैसे लड़ोगे? सरदार, ना तो हम अपना वादा भूले हैं और ना ही मैदान जंग में अपनी मर्दानगी, लेकिन आप और आपके शहजादे सरदारी की हुर्मत भुला चुके हैं। कुर्दोगलो और इसके हवारियों, बेटा अपने बाप का आईना होता है, आईना। शेर का बच्चा शेर होता है, और गीदड़ का बच्चा शेर नहीं हो सकता कभी। हद में रहो तुम लोग अपनी, वरना अच्छा नहीं होगा। एलची आया है सरदार, भेजो उसे। सुलेमान, तुम्हें दी गई मोहलत खत्म हो चुकी है। अल अजीज ने तुम्हारे कबीले पर हमला करने का हुक्म दिया है।
मुसलमान होने के नाते यहां तुम्हें आखिरी तनबीह करने आया हूं मैं। अर्तुरुल और शहाबुद्दीन को हमारे हवाले कर दो। अगर तुम आसमान से कहर बनकर भी टूट पड़ो तो सिर्फ मेरी जान ले सकोगे, मगर अपने कबीले से एक बकरी का बच्चा भी नहीं ले जाने दूंगा। बहुत हो गया सुलेमान, बहुत हो गया। किस हाल को पहुंचा दिया तुमने हमें? कबीले को एक बार फिर जंग में धकेला जा रहा है। कुर्दोगलू, तुम्हारा सर तो मैं तन से जुदा करूंगा सुलेमान। कमांडर, पहले तुम अपने सिपा सालार का सर तो बचा लो। सालार आजम, आप यहां? पहले तुम्हें सुलेमान शाह से बात करने की तमीज सीखनी चाहिए। अगर तुमने एक लफ्ज भी और हमारी इजाजत के बगैर कहा तो जिस शख्स का सर सबसे पहले मैं काटूंगा वह तुम होगे। अब जाओ यहां से और अल अजीज से कहना कि अगर वो अर्तुरुल और शहाबुद्दीन को गिरफ्तार करना चाहता है तो खुद आकर उन्हें यहां से ले जाए। अब अपने लश्कर को लेकर जाओ यहां से, वरना इसका सर काट के मैं तुम्हारे हाथ पर रख दूंगा। फिर घुमाते रहना इसे हलब के बाजारों में। दफा हो जाओ। सारी अशरफियां किस लिए शहजादे? ये सोना तमाम तुर्क सरदारों के दरमियान जितनी जल्द हो सके तकसीम करवा दो। यूं उन्हें यकीन हो जाएगा कि वो मेरे साथ इत्तेहाद करके बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, लेकिन मेरी हिमायत लाजमी है। अगर उन्होंने आपका साथ देने से इनकार कर दिया तो फिर? वो साथ देंगे अफसिन, जरूर साथ देंगे। इसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं उनके पास, और उन्हें कायल करना तुम्हारी जिम्मेदारियों में शामिल है। क्या ये आपका आखिरी फैसला है शहजादे? बिल्कुल आखिरी फैसला है। अंदर आ जाओ। शहजादा नौमान।
रियासत को ऐसे लोग सख्त ना पसंद हैं जो इक्तदार के लिए जमीन बेच डालूं। रियासत सिर्फ और सिर्फ सुल्तान अलाउद्दीन की है। इस रियासत के सुल्तान है। कुर्बानी देना पड़ी। अगर तुमने मुझे आजाद कराने की कोशिश की तो तुम्हारा कायर कबीला अल अजीज के जेर हताब आ जाएगा अर्थुर। मैं बाबा के हाथ अल अजीज से रिश्ते पर मजबूर हो गई हूँ, लेकिन मैं हर किसी और के नाम से मंसूब नहीं हो सकती। अगर ये न कर सका मैं तो समझ लेना कि तुम्हारा अर्थुर मर चुका। तो फिर मैं भी अपनी जान दे दूंगी। मैंने ऐसा क्या किया था जो ये दिन देखना पड़ा? तुम्हें मैंने इतनी इज्जत दी, जो कुछ भी मेरे पास था उसमें हिस्सेदार बनाया। तुम्हारे भाई को आजाद करवाया, शहजादे नुमान की खोई हुई हैसियत उन्हें वापस दिलवाई, हर ख्वाहिश पूरी की। अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहा तुम्हें, और तुमने क्या किया शहजादी हलीमा? तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। भी आपको उम्मीद नहीं दिलाई अमीर मौसम, और ना ही कभी आपसे मोहब्बत का इजहार किया है मैंने। कैसे यकीन करूं तुम्हारा? कम से कम इस तरह झूठ ना बोलो मेरी आंखों में देखकर। क्या नहीं किया तुम्हारे लिए सलेबियों से? तुम्हारे भाई को भी आजाद करवा दिया। मेरे भाई को जिन सलेबियों ने अगवा किया था उन्होंने खुद ही वापस भेजा उसे, और उन्हीं सलेबियों ने आपको इस आग में झोंका है जिससे पूरा आलम इस्लाम मुतासिर होगा। अब बस भी कर दो शहजादी हलीमा, इस तरह की बहुत सी शैतानी कहानियां मैंने अफसानवी किताबों में पढ़ी हैं। क्या आप जानते हैं कि शैतान अल्लाह के बंदों को किस तरह बहकाता है? वो इंसान को आईने के खेल में उलझाकर गुमराह करता है। तो उस खेल में क्या होता है शहजादी हलीमा? वो इंसान को खुद पसंदी का शिकार कर देता है, और इंसान जब आईना देखता है तो खुद को फरिश्ता तसव्वुर करता है, मासूम, नेक दिल, पाकीज़ा। और ऐसा इंसान शैतान का पसंदीदा होता है। उसमें इतना गुरूर और तकब्बुर पैदा हो जाता है कि उसके दिल से जहन्नुम की भड़कती हुई आग का खौफ भी खत्म हो जाता है। मेरी मासूमियत और नर्म दिली का मजाक उड़ाने की इतनी जुर्रत? बिल्कुल नहीं, मैं आपका मजाक नहीं उड़ा रही।
बल्कि मैं तो आप जैसे सादा लॉ और नेक नियत इंसान को हकीकत का आईना दिखाना चाह रही हूँ जो इससे पहले किसी ने नहीं दिखाया। आपकी बदकिस्मती है कि आपका कोई सच्चा दोस्त नहीं। अमीर मौजम आपके आसपास जितने भी लोग हैं जिन्हें आप अपना खैर ख्वाह समझते हैं, असल में वही आपके दुश्मन हैं। आज नहीं तो कल ये निकाह जरूर होके रहेगा। जाहिर है ये मोहब्बत की तकमील तो नहीं होगी, मगर इस निकाह से मेरे लिए आलमी और सियासी मफाद की राहें खुल जाएंगी। और बेचारा अर्तुरुल तो क्या हुआ अर्तुरुल को? थोड़ा सब्र करो, तुम्हें बहुत जल्द सब पता चल जाएगा। अगर अर्तुरुल शहजादे नौमान का दामाद बन गया तो सुल्तान अलाउद्दीन के करीब हो जाएगा। कुंदोक्तु के लिए नया हमसफर ढूंढने का वक्त आ गया है। काई कबीले की तरफ चलेंगे हम।